1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, जिसे गाया है आशा भोसले जी और रफ़ी साहब ने, कंपोज किया है ओपी नैयर साहब ने और लिखा है SH बिहारी जी ने। जानते हैं इस गाने की ट्यून बेस्ड थी धूल का फूल फिल्म के एक गाने तेरा प्यार का आसरा चाहता हूँ पर, लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट ओपी साहब ने इस गाने को दिया था उससे ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भी ऐसी बातें बताऊंगी आपको इस गाने से जुड़ी हुई, लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं ये गाना। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। लिरिसिस्ट SH बिहारी जी ने फिल्म में सिर्फ दो ही गाने लिखे थे और जब उन्हें इस फिल्म के लिए S मुखर्जी प्रोडक्शंस ने हायर किया तब उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि पैसे के मामलों के साथ साथ उनके गानों के मामलों में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला जी को सॉन्ग्स कंपोज करना बहुत पसंद था और कभी कभी वो अपनी ट्यून्स म्यूजिक डायरेक्टर पर इम्पोज कर दिया करते थे। और ये बात SH बिहारी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग के कुछ देर पहले ही खोसला साहब ने अपनी कॉम्पोजिशन बताई जिससे चिढ़कर SH बिहारी जी चले गए थे और उन्होंने मुखर्जी साहब से कहा था कि आपको खोसला जी को ही म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहिए था। उस शाम मुखर्जी जी SH बिहारी साहब के घर गए और उन्होंने सारा मैटर सॉल्व करवाया और उसके बाद SH बिहारी जी के मैटर्स में कभी भी किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी थी, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी थी, मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म 1962 की हिट फिल्म थी और इसी फिल्म के बाद डायरेक्टर राज खोसला जी ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस साधना जी को अपनी अगली तीन फिल्मों में कास्ट कर लिया था और इन सारी फिल्मों में ओपी नैयर साहब और SH बिहारी जी ने ही साथ में काम किया था इनके। वैसे जानते हैं आप, नैयर साहब हमेशा S मुखर्जी जी को ही अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और वो मुखर्जी साहब के म्यूजिकल हिट एक मुसाफिर एक हसीना ही थी जिसके कारण नैयर साहब ने पॉपुलैरिटी की लैडर चढ़ी। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, मैं हूँ रुचि आपके साथ। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब की आशा जी और रफ़ी साहब के साथ अनबन हो गई थी जो उनके करियर पर भी रिफ्लेक्ट हुआ। इनफैक्ट इंडस्ट्री के दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी नैयर साहब की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी,
जानते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म के बाद ओपी नैयर साहब और शशाधर मुखर्जी जी के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि नैयर साहब को ये कहा गया था कि फिल्म का मेन इंग्रेडिएंट उनका म्यूजिक था, जिसके कारण फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई। पर मुखर्जी साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी और अपनी अगली दो फिल्मों के लिए इसी कारण उन्होंने उषा खन्ना जी को म्यूजिक कॉम्पोजिशन के लिए लिया, ना कि नैयर साहब को। उसके बाद एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म नैयर साहब की कमबैक फिल्म मानी जाती है, क्योंकि उनके और मुखर्जी जी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग आशा जी ने सॉल्व करवाई और ये फिल्म फाइनली नैयर साहब को मिली। चलिए सुनाते हैं आपको अगला गाना। मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर मैं डालूं चारों ओर बहार है। जेगी तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। देखे सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आँखों में भी अरबों जादू है, जब से आँख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर खुद को पाया क्या मेरी तकदीर है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है गाना बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। मैं हूँ रुचि आपके साथ। दो उस्ताद फिल्म के बाद ओपी नैयर जी के पास एक साल तक कोई काम नहीं था, क्योंकि उनका पुराना म्यूजिक स्टाइल चल नहीं रहा था। सो जब ओपी साहब ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म साइन की, तब ही केम अप विद अ टोटली रिवैम्प्ड म्यूजिक स्टाइल। इस फिल्म में इसलिए ज़्यादा मेलोडियस कॉन्टेंट था, उन्होंने लिरिक्स पर भी खास ध्यान दिया था। एंड टू एनहांस द स्वीटनेस ऑफ मेलेडी उन्होंने सितार सरोद और तार शहनाई का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया था। चलिए सुनाते हैं आपको उन्हीं का एक और हिट गाना सावन की घटा फिल्म से। हो
ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसे फीकी फीकी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है गाना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देखिए, आप जो सजेशंस देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप ही के बताए हुए गानों को यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। तो अपनी पसंद यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए एक बार फिर से सुनिए आज का ये खास गाना मेरे सारेगामा कारवां से। Ah.
बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए बहुत शुक्रिया करूं पेश तुमको नजराना दिल का नजराना दिल का करूं पेश तुमको नजराना दिल का नजराना दिल का के बन जाए कोई अफसाना दिल का जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए बहुत शुक्रिया खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए बहुत शुक्रिया कदम चूम लूया के आंखें बिछा दूं करूं क्या ये मेरे समझ में ना आए बहुत शुक्रिया।